मोहतरम दोस्तों, आपका खादिम लाहौर एस्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन आपसे मुखातिब हूँ। +9232249292 मेरा फ़ोन नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता किया करें, आपके पैसे भी बचें मेरे भी बचें। प्यारे दोस्तों, आपको सबसे अच्छा वीडियो और सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता हूँ। आपको प्रिज्म की पोजेशन का बताया था कि आ रही है, बहुत से लोगों ने इसको डिनाई किया, कोई कहता है, किसी ने कहा अभी हाइप किया, किसी ने कहता है ये कर दिया वो कर दिया, नहीं आनी, 2 साल नहीं आनी, 3 साल नहीं आनी, 4 साल नहीं आनी, 5 साल नहीं आनी, 10 साल घर नहीं यहाँ पे बनना, यहाँ ऐसे सिख लोग भी हैं जो ये भी कहते हैं। बहरहाल ये आपके सामने है, प्रिज्म इज़ रेडी, QR इज़ नाउ रेडी, सारे पोल लग रहे हैं, सारी जो है स्ट्रीटों पर तकरीबन लग चुके हैं, आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर मशीनरी तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में इधर मूव की गई है। इस वीक के अंदर जो है इसकी जो रोड्स हैं उसके साइटों को जो है वो लेवल किया जा रहा है, जो मट्टी वाला हिस्सा होता है, जो जो रोड अभी नहीं बनी थी उनको बनाया जा रहा है, उनको कारपेट किया जा रहा है। ये क्यू ब्लॉक में नई कटिंग इवन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर अभी कारपेटिंग नहीं हुई, इस वीक होगी, और इसके ऊपर आप अगर नोट करें तो डीपियाँ भी लग गई हैं। इसी तरह 120 फुट की आर ब्लॉक की रोड आपको सामने नज़र आ रही है, वो भी फ्रेश हुई है, कारपेट हुई है, ये दोनों टैंक आपको आर ब्लॉक में नज़र आ रहे हैं। आर बी जो है वो सारियाँ, ये पोल आप देख रहे हैं दोनों साइडों पे जो है ना पोल लग रहे हैं, तकरीबन लग चुके हैं सारे जो है ना, क्यू ब्लॉक में सारे लग चुके हैं और आर ब्लॉक में लग रहे हैं जो है ना, धड़ाधड़ उन पर काम हो रहा है। डी एच ए ने बहुत सारी मशीनरी इधर मूव की है, मैं आपको आगे इसके जो है वो दिखाता हूँ इमेजेस जो है ना, एक सेकंड में अभी दिखा देता हूँ आपको। ये आप देखें, ये मशीनरी जो है ये काफ़ी जगह पे ना इस वक्त QR में काम कर रही है, बहुत सारी मशीनरी जो है लग रहा है दूसरे ब्लॉक से इधर आई हैं काम करने के लिए, और तकरीबन हर स्ट्रीट पे जो है ना काम हो रहा है बड़ी तेज़ी से, बहुत शॉर्ट पीरियड में, ये पिछले 2-3 दिन में ही सारी ये मशीनरी यहाँ पर मूव हुई है। ये ड्रोन वीडियो से आपको चंद मशीनरी काम कर रही होगी, लेकिन अब उसकी तादाद काफ़ी बढ़ गई है। एक्चुअली जो है मेरा ख्याल है कि डेट जो है मैं 31 दिसंबर का सोच रहा था, लेकिन उससे बहुत पहले लग रहा है ये अभी पोसेशन हो जाएगी। मेरा ख्याल था कि मैक्सिमम 31 दिसंबर और अभी से लेके उसके दरमियान किसी वक्त, लेकिन ये अभी यहाँ पे ना ये बैनर्स वगैरह भी लगने शुरू हो गए हैं, विच मीन्स के जो सेरेमनी है हो सकता है जल्दी हेल्ड हो जाए। अमूमर जनरल्स वगैरह ने, जैसे कोर कमांडर लाहौर है और कोई गेस्ट जनरल जो है वो आएंगे ओपनिंग के लिए, तो उनके लिए इस तरह जो है ना वो बैनर्स वगैरह भी लगाए जाते हैं और ये लेवल किया जाता है सारे प्लाटों को। आप देखें बीच में जो प्लाटें हैं वो भी लेवल हुए हैं और रोड्स को भी लेवल किया जा रहा है, बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है ये सब कुछ। अगर यहाँ रेट्स देखें कि क्या है और क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्यों, मैं करंटली कनाल जो है 220 से 290 के दरमियान चल रही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें 25 लाख का जंप आना चाहिए। हालांकि ये न्यूज़ काफ़ी प्राइस्ड इन है, जब मैंने पहली दफ़ा आपको ये न्यूज़ दी थी वहाँ से लेके अब तक प्राइस डबल हो गई हैं इसी न्यूज़ की बैक पे, और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जब एक्चुअल पोसेशन आएगी तो ये और 20 से 25 लाख रुपया बड़ी जल्दी में गेन कर जाएगी। उसकी वजह भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बेसिकली जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे कहा था कि पोसेशन आ रही है, बहुत सारे बिल्डर्स ने यहाँ पे प्लॉट ख़रीदे हैं और बिल्डर्स ने बड़ी अच्छी प्राइस पे ख़रीदे हैं, क्योंकि DHA 7 में और 6 में 3-4 करोड़ से नीचे चीज़ ही नहीं थी। तो इधर उन्होंने देखा कि पोसेशन आ रही है तो उन्होंने बहुत सारी बाइंग की है बिल्डर्स ने, इधर जो है ना QR में, इवन A में भी की है, तो इधर ना रेट काफ़ी जंप कर गए हैं APQR में। मैं बता रहा था कि इनकी पोजीशन आएगी अभी कम अज़ कम QR की तो भी आ रही है, हो सकता है कि बहुत ही जल्द जो है आपको A की भी और P की भी अनाउंसमेंट आ जाए। 10 मरला यहाँ पे 1.55 से 1.65 का RD हो गया क्यू ब्लॉक में, इसमें बहुत ज़्यादा शायद गेन ना मिले, कनाल में भी काफ़ी पोटेंशियल है, 20 से 25 आराम से गेन कर जाएगा। उसके बाद 5 मरला जो है उसका 88 से 95 रेट है, पोसेशन आने के बाद 5 मरला भी मोस्ट लाइकली करोड़ प्लस में चला जाएगा क्यू ब्लॉक में, क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है। ज़्यादा पोटेंशियल जो है ना 5 मरला में वो जो है आर ब्लॉक में अभी भी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। आर ब्लॉक में 5 मरला जो है अभी भी आपको 64 से 90 के दरमियान मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। हाईली रिकमेंडेड है कि 5 मरला आर में करें, आर की एक्चुअली लुक जो है ना 5 मरला एरिए की बहुत खूबसूरत है। गेटेड ये सारा एरिया आगे जाके बनेगा, अभी भी DHA ने आर ब्लॉक में बाउंड्री वगैरह कर दी हुई है,
प्रिज्म के मल्टीपल गेट्स होंगे और उन पे कंट्रोल ट्रैफिक होगी, लेकिन ये फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बहरहाल एवेंचुअली जो है पूरा प्रिज्म गेटेड होगा, ये DHA ने अनाउंस किया हुआ है कि इसके लिमिटेड एक्सेस होगी डिफरेंट गेट्स के ऊपर। दशमलव जो है 130 से 160 की रेंज है करंटली प्राइस की। पाँच मल्ला इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में रूम है ग्रोथ का। दस मल्ले में अब होगा गेन, लेकिन ये है कि दस मल्ले की प्राइस में ना बेशुमार ऑप्शन और मिल जाती जहाँ दो पैसे बन सकते हैं। कनाल इधर अभी भी गुंजाइश है काफ़ी बढ़ने की, 195 से लेके 240 तक आर का चलता है जो है ना। तो सजेशन ये है कि क्यू में आप कनाल और आर में जो है वो आप पाँच मल्ला बाय करें या दस मल्ला बाय कर लें। दस मल्ला दोनों में इक्वल फुटिंग पे है, क्यू में भी और आर में भी जो है। ज़्यादा गेन जो है वो पाँच मल्ले और कनाल में, दोनों ब्लॉक में आर में और क्यू में आपको मिलेगा। मैं सारे ब्लॉक्स के रेट्स और डेवलपमेंट का जो है ना आपको लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज से जो है ना वो गाइड करता हूँ, वो उस वीडियो में डिस्कस करते हैं, वीडियो लंबे हो जाते हैं। बहरहाल आपको सबको एडवांस मुबारक हो, QR में इसी साल इंशाल्लाह आपको पोजीशन मिलेगी, अगले हफ्ते भी मिल सकती है, मैक्सिमम 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 December 31st इंशाल्लाह, नो डाउट ज़ीरो डाउट, मौजे मौजे। एज अ डीलर बड़ा नुकसान उठाया मैंने पिछले एक डेढ़ साल में, जब मार्केट सबसे ज़्यादा तेज चल रही थी तो मैं आपको रोक रहा था हर एक को कि प्रिज्म को सेल ना करें, इसने बहुत गेन करना है, इसने बहुत गेन करना है। वो गेन कर लिया है, अब ये एक मेजर लास्ट माइलस्टोन है, इसके बाद भी गेन होंगे। ये बिल्डर्स ने जो घर बनाने के लिए लिए हैं प्लॉट, जैसे जैसे वो एक एक प्लॉट के स्ट्रीट के ऊपर खुदाई करेंगे वहाँ पे 5-5, 10-10 लाख रुपया ऐड होगा। तो प्रिज्म अभी जो है ना 7 की प्राइसेस पे ये जाएगा, जैसे ही इसकी पोसेशन मिलती है 7 से सारा बिल्डर वगैरह जो है वो इधर मूव होना शुरू हो जाएगा, और जो बाइंग है वो सारी तकरीबन इधर आनी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा ये तेज़ हो जाएगा। इसकी लोकेशन चूँकि प्राइम है, ज़्यादा तवज्जो लोगों की ना इधर हो जाएगी। तो अभी कुछ गेन है, लेकिन अभी आप अगर कोई प्लॉट सेल करें इस तेज़ी में पोसेशन की, तो आपने लाहौर रियल एस्टेट को याद रखना है, मेरे जो बैक लॉसेस है ना वो अब आपने पूरे करने हैं, कि टाइम में प्लॉट बेचा तो मैं आपसे नाराज़ होऊंगा। कंग्रेचुलेशन टू ऑल द होल्डर्स अगेन अगेन अगेन। अल्लाह हाफिज़।